गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत मानवाधिकारों का वर्गीकरण के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। पिछले तीन वीडियोस में हमने मानवाधिकारों के अंतर्गत घोषणा अनुच्छेदों को डिटेल में स्टडी की। आज हम उन्हीं मानवाधिकारों को एज पर अधिकारों की कैटेगरी में निर्धारित करने के लिए कि उसे कौन कौन सी कैटेगरी में जितने भी मानवाधिकार के अनुच्छेद दिए गए हैं वो किस किस कैटेगरी में हम रख सकते हैं, उसके अंतर्गत सबसे पहले है सामाजिक अधिकार, यानी वो अधिकार जो व्यक्ति, समाज और उसके परिवेश से जुड़े हुए हैं। वो अधिकार कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहला है जीवन की स्वतंत्रता एवं व्यक्ति तथा संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार, अर्थात इसमें हम जितने भी 30 अधिकार जो हमने पहले मानवाधिकार की घोषणा पत्र के अंतर्गत पढ़े हैं उसमें सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत जीवन की स्वतंत्रता एवं व्यक्ति तथा संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार व्यक्ति को प्रदान किया गया है। दूसरा है भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्थान में किसी भी संगठन में मर्यादित और अनुशासित अपनी सीमाओं में जिससे किसी का नुकसान ना हो, इस प्रकार से भाषण करने की स्वतंत्रता का अधिकार से दिया गया है। नेक्स्ट विवाह तथा परिवार बनाने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति अपनी दोनों की सहमति से, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उन दोनों की सहमति से विवाह कर सकते हैं तथा अपना परिवार बना सकते हैं। नेक्स्ट है निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत भी अनुच्छेद 21 ए में दिया गया है कि सभी व्यक्ति को निःशुल्क और ऐसा व्यक्ति जो 6 से 14 वर्ष की आयु के अंतर्गत है उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। यह एक मौलिक अधिकार भी है। इस प्रकार नेक्स्ट अधिकार है समानता तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति का अधिकार, व्यक्ति सभी समान है एज पर यूएनओ के घोषणा पत्र के अनुसार और उसे सामाजिक न्याय प्राप्ति का भी अधिकार है। जो हमने पिछले कई 30 जो हमने मानवाधिकार के अनुच्छेद पढ़े हैं उसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी संरक्षण प्राप्ति का अधिकार रख सकता है, साथ ही किसी समाज है या समूह है उसमें कानून के दायरे में रहते हुए अपनी सीमाओं में मर्यादित अपने कानूनों के दायरे में वह अपने अधिकारों की मांग भी कर सकता है। तो इस प्रकार ये सारे जो अधिकार हैं सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं जो मानवाधिकार के घोषणा पत्र में दिए गए हैं। दूसरा है मेजर, हम वर्गीकरण कर सकते हैं आर्थिक अधिकार, जिसमें पहला है आजीविका कमाने का अधिकार, यानी व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्थान पर अपने रोजगार के लिए अपने जीविकोपार्जन के लिए वह कोई भी कार्य कर सकता है, उसको उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है और उस कार्य के एवज में उसे अपना वेतन प्राप्ति का भी अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट जीवन स्तर में सुधार लाने एवं सुरक्षा प्राप्ति का अधिकार मानवाधिकार के चार्टर के अनुच्छेदों में दिया गया है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो भी प्रयास करे या जो भी कार्य करे वह सब मान्य होंगे। साथ ही अपने उन अधिकारों को जो जीवन स्तर और आजीविका कमाने से संबंधित हैं उन्हें सुरक्षा प्राप्ति का भी अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति इनका हनन करता है तो वो न्यायालय में या कानूनी शरण में जा सकता है। नेक्स्ट धार्मिक अधिकार, नेक्स्ट धार्मिक अधिकार, धार्मिक अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति की विचार, विश्वास, व्यवहार, पूजा तथा कर्म कांडों को व्यक्त करने का अधिकार है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को सामूहिक या सार्वजनिक रूप से अपने विश्वास, व्यवहार और किसी भी धर्म की आस्था या पूजा तथा कर्म कांड करने का अधिकार उसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के संविधानों के अंतर्गत भी दिया है। साथ ही यह मानवाधिकारों के चार्टर में भी उल्लेखित है। नेक्स्ट धर्म या विश्वास परिवर्तन करने का अधिकार,
यानी कोई भी व्यक्ति जिस भी धर्म में विश्वास रखता है या जिस भी धर्म को मानना चाहता है, वह उसे अपने उस धर्म को अपनाने का उसे अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत किसी भी राष्ट्र का सदस्य होने का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे देश में अगर जा करके वहाँ रहना चाहे तो उसे यूएनओ के चार्टर के अंतर्गत उल्लेखित अनुच्छेदों में ये प्रावधान दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में भी जा करके अपना निवास बना सकता है। मत देने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अपना मत देने कि मेरा विचार क्या है, और मत इन द सेंस अपना वोट से रिलेटेड भी है कि राजनीतिक दृष्टि से अपने प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त है। साथ ही वो सार्वजनिक रूप से अपने विचारों की भी अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता उसे दी गई है। सेम एज यही कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इन इंडिया, हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत भी यही बातें अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लिखी हुई है। नेक्स्ट मानवाधिकार है, इसमें शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने का अधिकार व्यक्ति को प्रदान किया गया है। यदि व्यक्ति किसी भी संघ या समाज के किसी महत्वपूर्ण संगठन का हिस्सा है तो वह शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर सकता है। नेक्स्ट, समिति बनाने की भी स्वतंत्रता है। व्यक्ति कंपनी एक्ट के तहत, जो कि भारत सरकार का एक्ट है, कंपनी एक्ट कंपनी एक्ट के तहत व्यक्ति समिति बना सकता है। ये भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद है जिसमें व्यक्ति अपने मन से या अपनी स्वेच्छा, अपनी स्वीकृति से कुछ लोगों को एकत्रित करके अपनी एक समिति या कमेटी बना सकता है और अपने समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकता है। नेक्स्ट, सरकार के कार्यों में भाग लेने का अधिकार है। व्यक्ति चाहे किसी भी राष्ट्र का हो, वह अपने देश के सरकारी कार्यों में भाग ले सकता है, चाहे वो निर्माण कार्यों से जुड़े हुए हों, चाहे सरकारी कार्यों से भी जुड़े हुए हों। अगर व्यक्ति की सहभागिता से, तो इस संदर्भ में इस प्रकार कई गैर सरकारी संगठन भी आगे आ रहे हैं जो सरकार के कार्यों में भाग ले रहे हैं और देश के विकास में भी अपना योगदान दे रहे हैं। अब आज का होमवर्क इस प्रकार है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों का वर्गीकरण कीजिए। आपको इसका उत्तर 250 शब्दों में लिखना है। और इसके साथ एक और टास्क ये भी है कि आप 5-5 मार्क्स जब भी कॉलेज आएंगे बना करके लेके आएंगे और अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु जितने भी उपाय हैं उन पर पोस्टर बना करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक रह सकें और इस कोरोना महामारी से अपना बचाव कर सकें। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो थैंक यू। आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके लिए बचाव के कुछ उपाय हैं कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र से हाथ को साफ करते रहें, अंडा मांस अच्छी तरह से पका कर खाएं, बुखार या खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें, जंगली जानवरों के संपर्क में ना आए, बीमार लोगों से दूर रहें, लोगों से हाथ ना मिलाएं और बिना हाथ धोए आँख नाक मुंह आदि को न छुएं। इस प्रकार से आप कोरोना से बच सकते हैं। सतर्कता ही बचाव है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।